Hey everyone, I hope you all are doing good. So today we'll be starting with a complex analysis and we'll do de Moivre's theorem, but we are not going to do the proof of this theorem, but we'll just understand some basics of this theorem and how different cases can give us different answers. So let's start with it. First of all, you have to remember that ki jo theorem hai ye hamesha apply hota hai jahan par polar form hota hai complex number ka. You can't use it in the Cartesian form. फॉर एग्जाम्पल जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो किस फॉर्म में होगा पोलर यानी कि आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. आर यहाँ पे क्या है आर इज़ द मॉड्यूलस एंड थीटा इज़ द आर्ग्यूमेंट. ठीक है यू शुड नो दिस बेसिक्स आई अज्यूम दैट. अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूँ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और उसकी पार है एन. यहाँ पर सिर्फ पार से ही चीज़ें चेंज होने वाली हैं सो पे अटेंशन टू इट. और अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या है फर्स्ट कंडीशन में जो एन है वो एक इंटीजर है इट कुड बी एनी इंटीजर. ठीक है तब क्या होगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एन और यहाँ पे अभी इंटीजर है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रूट इसकी एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो होगी कॉसिन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा. ठीक है दिस इज द वैल्यू विच वी विल हैव. सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं जो भी पार होती है हमारी उसको हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है अगर एन इंटीजर है तो अब सेकेंड केस में क्या होता है कि अगर एन एक रैशनल नंबर है इफ एन इज अ रैशनल नंबर तब क्या होगा रैशनल नंबर यानी कि फ्रैक्शनलाइज्ड फॉर्म में सो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पी बाय क्यू और पी बाय एन ले लेते हैं. ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट यहाँ पर एन रूट्स एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पर कितने थे वन रूट. यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर में आपको टर्म दी हुई है उतने ही रूट्स एग्जिस्ट करेंगे सो यहाँ पे एन रूट्स होंगे और उनमें से एक रूट ये भी होने वाला है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा. बट और भी कुछ रूट्स एग्जिस्ट करेंगे वो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे. अब जो सेकेंड केस है हमारा रैशनल नंबर वाला उसमें कुछ और चीज़ें आपको देखनी है. देखो अगर हमें दिया हुआ है वन बाय थ्री तो कितने रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं थ्री. अगर हमें दिया हुआ है टू बाय फोर तब फोर रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं इट्स इट हैज़ टू बी इन द रिड्यूस्ड फॉर्म तो इसको हम वन बाय टू बनाएंगे एंड देयर फोर टू रूट्स एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है सिमिलरली थ्री बाय फोर तो इसमें यहाँ पे फोर रूट्स ही एग्जिस्ट करेंगे. दिस इज़ द कंडीशन कि रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए कि पार एच सी एफ जो है इनका हाइस्ट कॉमन फैक्टर वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वन होना चाहिए ओनली देन वी कैन से कि कितनी डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उतनी पार्स एग्जिस्ट कर रही हैं. ठीक है लेट्स डू सम एग्जांपल बेस्ड ऑन द सेकंड केस. लेट्स टेक कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई एंड पार में ले लेते हैं वन बाय थ्री. अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे तीन रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और इनमें से एक रूट होने वाला है कॉस पाई बाय थ्री प्लस आयोटा साइन पाई बाय थ्री. ठीक है ये हमने आर्ग्यूमेंट से वन बाय थ्री को मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है अब देखो तभी ये एक रूट आ गया और यहाँ पर दो रूट्स और भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे. ठीक है दिस इज़ हाउ वी डू दिस. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इज़ ओनली द बेसिक्स ऑफ इट एंड यू विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर व्हेन वी डू क्वेश्चन रिलेटेड टू इट एंड वी विल बी डूइंग दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड थैंक्स फॉर वॉचिंग.